बात रहा डमरू नाच रही शिवजी बोले बाबा बम 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 बम। सो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी हमारा ये लास्ट कैंप जो कि दाल दमा है और अब बस हम लोग निकल रहे हैं। तो देख सकते हैं सारे लोग रेडी हो चुके हैं, हमारी ग्रुप मेंबर्स भी रेडी हो चुके हैं और हमारे जो सबसे फेमस बली भाई जो हमारे ग्रुप लीडर भी हैं और हमारे ट्रैकर भी हैं और हमारे भाई भी हैं, ये भी रेडी हो चुके हैं हम लोग को ले जाने के लिए। तो चलिए रास्ते में मिलते हैं, क्या बोली भाई? ठीक है ना, तब तक यहाँ का सीन आप लोग देखो। तो गाइज़ अभी हम लोग जा रहे हैं अपने बेस कैंप लोहा जंग की तरफ जो कि अप्रॉक्स 6 किलोमीटर के आसपास होगा और रास्ते देख रहे हो आप जो कि बिल्कुल भी मतलब काफ़ी हार्ड वाला ये ट्रेल है, रास्ते के नाम पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, बस अपना खुद से आपको रास्ता ढूंढना है या फिर कहिए कि रास्ता खुद से आपको बनाना है। और हमारे पीछे देख सकते हैं कि हमारे ग्रुप मेंबर्स आ रहे हैं जो कि इल्सिया है और उसके पीछे रवि भाई भी आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, अभी काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ की खूबसूरती के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, जो कि मेरे पास वर्ड ही नहीं है यहाँ की खूबसूरती को डिस्क्राइब करने के लिए। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अगर कहीं भी अगर आपको लगता है वीडियो में कि कुछ और अगर ऐड हो सकता था या फिर कहीं कमी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंस हमारे लिए रहता है आपका सपोर्ट। आप बनाते हो आंटी ब्रास का जूस? हाँ बनाते हैं। बनाते हो, कैसे बनाते हो? मार्केट ले जाते हैं पूरी। हाँ जी ठीक के। हाँ जी हम मशीन से बनता है। अच्छा हम मशीन घुमाते हैं। ओके। हाँ उसी से निकलता है घुमाते घुमाते। ओके तो अभी कैसे बना रखा है आप? खुद से बनाया या फिर नीचे से बनवा के लाए? बन के लाए बन मार्केट। हाँ आंटी जी झूठ क्यों लगाएगी। हाँ मार्केट से लाई। हाँ। मार्केट से लाई। ये गर्म पानी करते हो आप? हाँ गर्म पानी। हाँ। जो बंदे ठंडा पानी नहीं पीते हैं। हाँ। लोग पैसे लेते ना। हाँ। आंटी जी फ्री में देती है, सेवा में है, बड़ा पुण्य होता है जी, जी, जी। पानी पिलाने से। हाँ
आंटी जी सब चीज समझते है, बुजुर्ग लोग है प्यो, जो भी बंदा ठंडा पानी है प्यो, गर्म पानी है प्यो, आंटी जी पैसा नहीं ले। तो आपने देखा आंटी पानी के पैसे नहीं लेते, जबकि हमारे इस ट्रैक में 50-50 रुपए लेते हैं एक लीटर बॉटल पानी के, और अगर पैक वाटर आपने लिया तो 60 रुपीस की किन ले आते हैं, और आंटी ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं। तो पहाड़ों में इतनी अगर आंटी अगर हेल्प कर रही है तो यही बहुत है। तो आप और आंटी कहाँ पे रहती हैं, आंटी कहाँ पे रहती हैं वो मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, ठीक है। आंटी इस जगह पर रहती है जो यहाँ, मैंने बोला नहीं नहीं बड़ा पुण्य होता है पानी पिलाने से, इतने बंदे गर्म पानी लेता है, जहाँ आंटी जी है वहाँ दिक्कत नहीं होगी। अच्छा आंटी आप पानी नीचे से लेके आते हो? उधर से आप आए ना, खुद से लेके आते हो? फिर भी मैं बहुत सेवा में हूँ, कोई दिक्कत में ला लूंगी आंटी जी, बड़ा पुण्य होता है पानी पिलाने से, पैसे बड़े नहीं होते जी। और बंदे पैसे को दे रहे हैं ना, मैंने बोला सबकी एक ही सोच नहीं होती, किसी का मन कहता खाओ पियो पानी पियो बैठो प्यार जी। हाँ, इसको प्यार बोलते हैं सबसे प्यार, पैसे बड़े नहीं होते। कितने बंदे आंटी जी का बहुत चर्चा करिए, धन्यवाद आंटी जी, आप सुंदर है, मतलब आपका मन सुंदर है, आपके मन में भगवान जी है जी। सारे बंदे में आंटी जी आपने आप पढ़ाई नहीं करी? नहीं नहीं, नहीं। मैंने सुना है, सुना है। ठीक है, मैं सुना है। कल भी गए ना हम शाम का, एक बंदा ऑरेंज आप ऑरेंज आप नीचे आप दे रहे थे ना सभी को, कैलाश में चढ़ाना शिव जी को, बाज रहा डमरू नाच रही शिव जी बोले बाबा बम 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 बोलते हमारे यहाँ शिव जी को, गाना है ना वो शिव जी। हाँ, तभी तो सारी बंद कोई लोग कर रहे थे गाँव वाले फूल क्यों ले जा रही बेच, नहीं नहीं ये यात्रा है आंटी जी सेवा में देगी पैसे नहीं लेगी, सब भोले बाबा को चढ़ाना फूल चढ़ाना आपकी यात्रा सब ठीक रहेगी। ठीक है, और भी लोग आते हैं। हाँ, तो हम लोग कुछ ना कुछ नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा आंटी, ऐसा नहीं बहुत लोग ना आगे के भी हैं। सो गाइस, आप जैसा कि देख रहे हो ये पत्थर ही हमारा ट्रेल्स हैं और इन्हीं पे चलना है, और अगर थोड़ी सी भी आपकी लेग ट्विस्ट हुई तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ सकते हो आप। तो अगर आप कभी ब्रह्मताल ट्रैक करने आते हो तो बी केयरफुल। हैप्पी एंड सेफ जर्नी। थैंक यू ब्रो, यू टू। थैंक यू ब्रो। तो सारे लोग इसी रास्ते से ब्रह्मताल ट्रैक को जा रहे हैं। हैप्पी एंड सेफ जर्नी ब्रो। हैप्पी एंड सेफ जर्नी। चल सागर भाई, सही है मेरा, हाँ सही चल रहा हूँ ना। जबरदस्त चला आज हमने ना।
हैप्पी एंसर जानी ब्रो, अभी से अभी बहुत चलना है भाई, एनर्जी लेवल मेंटेन रखो। यहाँ हम लोग बैठे थे ना, पानी वाला जगह यही था ना। हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो कितनी डेंजर है आपको यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है। ये रही हमारी जूते, ये हमारी लेग्स, और नीचे डायरेक्टली बड़ी सी खाई। और अगर अपोजिट साइड की बात करूँ तो इस साइड भी बड़ी सी खाई है। तो और हमारे ट्रेल्स कितने डेंजर हैं वो आप इन्हें देखकर सोच सकते हो कि हम लोग किस ट्रेल पे चल रहे हैं। तो बहुत काफ़ी डेंजर वाला यहाँ पे ट्रेल्स है, बट कोई नहीं, अब थोड़ा सा हमें नीचे और जाना है। आई थिंक 1.5 किलोमीटर होगा। तो चलिए अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता हूँ। हमें अभी ऊपर की तरफ इन्हीं रास्तों से जाने हैं। तो देखिए कैसे, मतलब खूबसूरती तो देखने के लिए यहाँ गाइज, खूबसूरती तो हर जगह भरी पड़ी है। मतलब यहाँ से वापस जाने का दिल ही नहीं पड़ता। वो देखो हमारे पीछे वो स्नो वाली माउंटेन, आई थिंक सागर वो कौन सा पिक है, नंदा गुमोत्री, इधर से भी दिख गए। गजब, नीचे गांव भी है, छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए काफ़ी खूबसूरत रहा हमारा ये ट्रैक। हम लोग यहाँ आए हैं जिप लाइन करने के लिए। और जिप लाइन के बारे में आपने बताया था ना, ये क्या है जिप लाइन का, ये क्या है इसका बताइए भैया। सर इस जिप लाइन का ये 800 मीटर है, ये जिप लाइन उत्तराखंड की नंबर वन में है अभी। अच्छा 800 मीटर की जिप लाइन है और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जी। और ये जो है हमारे जो है रूपकुंड ट्रैक का शुरू होता है यहाँ से, और परमतार ट्रैक होता है, आली बेदनी होता है, मोना टॉप होता है, और ये आपका जो है ये ट्रैक शुरू होते हैं जी। तो यानी कि हम लोग जो करने वाले हैं वो उत्तराखंड के सबसे लंबी लंबी जिप लाइन है। एंजॉय करोगे आप लोग। ओके, और आइए आप लोग सभी को बताइए कि ये फर्स्ट टाइम चालू हो गया इस टाइम पे। ओके, है इसकी आई थिंक अभी जस्ट ही ओपनिंग की अभी कुछ ही दिन पहले। जी जी जी, है ना जी, और पूरा रेडी हो चुका है, एंजॉय कीजिए। हिमालयन राइड जीप लाइन। ओके, फिर से आप एक बार, हिमालयन राइड जीप लाइन। ओके चलिए, तो फिर जब हम लोग जिप लाइन पे होंगे तो फिर वीडियो शूट करते हैं, देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो हमारी हार्नेस रेडी हो रही है, हार्नेस तो देख सकते हैं। ये वाली पहना दो, नहीं नहीं ये पट्टा छोड़ो भाई, 85 केजी के अकॉर्डिंग ऐसे तो हम जानते हैं कि ये सब काफी वेट हैंडल कर सकता है। क्रॉस कर दिया इसने, कल 100 वाला भेजा हमने इस वाले। अच्छा ओके, करा बना निकालो इसे हेलमेट। बाइक पे भी और जीप पे भी ये तो सेफ्टी मेजर के लिए है, ऐसा कुछ इसका है नहीं है, बट फिर भी जो सेफ्टी सेफ्टी नॉर्म्स जो आप लोगों को मिला होगा उसके अकॉर्डिंग दूसरा वाला हेलमेट दे देना, फिट आ जाएगा दूसरा वाला। दो हरी भाई, हरी भाई डालो फिर इसके अंदर से।
ऊपर कर लीजिए तरफ से। अच्छा वीडियो बना रहे हैं। हाँ होता है ना तो फिर मेरे को नहीं होता वो कर सकते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल फिट है ना सर? फिर ये देख लो सिर्फ गिरे नहीं ना, नहीं गिरेगा सर, कहीं नहीं गिरेगा। ऊपर नहीं नहीं हम उसकी बात कर रहे हैं, जिपलाइन की बात कर रहे हैं। ना ना ठीक है नहीं 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 हो गया हो गया और नीचे यहाँ है नीचे मिटन दे दो, मिटन दे दो, कौन दे? ना कर रहा कौन जे? पहन के उसमें वो करेंगे। एक का हाथ में मत पहनो वैसे। कैमरा 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 किसमें पकड़ोगे? इसमें इससे। अच्छा ये ऊपर नहीं पकड़ना। कैमरा मत छोड़ना, कैमरा आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। ठीक है जब डर के मारे कहीं कैमरा छोड़ के कुछ करने की कोशिश ना भाई। ठीक है हिम्मत बहुत, कैमरा आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, बाकी आप हमारी रिस्पांसिबिलिटी। हिम्मत बहुत है भाई। एक सेकंड सर, आप तब तक जो है ना आप रुक कीजिए, आप तब तक थोड़ा बस यहां पे रेडी। ठीक है आ रहे आ रहे अभी बैठे लगभग 85। ठीक है ओके सर, पहले बैठ जाइए, बॉडी वेट डालो आप पहले। हाँ मैं फुल बैठ जाइए नीचे, फुल हाथ छोड़ दो, ऊपर ऊपर नहीं आपने पकड़ना, यहाँ से पकड़ो और नीचे और डाउन और डाउन, बहुत डाउन, बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं आपका, जब आप पूरा बैठ जाएंगे ना बॉडी पे बैठ जाइए। हाँ पैर सीधे रखे। ओके रेडी आप डन। एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ नहीं तो। हाँ चल रहा है। ओके रेडी, पैर लिफ्ट कर लीजिए हवा में। ओके ओके आराम से छोड़ो सर, रेडी 1 2 3 एंड गो। छोड़ो बेहतरीन, मजा। और थोड़ा सा ऊपर खड़े हो जाओ। हाँ स्पीड ठीक है, हाथ उठाने थोड़ा सा, हाथ पीछे करना, थोड़ा सा बॉडी पर पुल करना। ओके डन डन। फैंटास्टिक फैंटास्टिक ब्रो, और इधर जबरदस्त, और इधर बस बस बस। इससे पहले मैंने कभी जिप लाइन ट्राई नहीं किया था, मैं इससे पहले केवल का ट्राई किया था। ठीक है वो भी गैंगटॉक में, सिक्किम में। ठीक है अभी मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था
काफी मजेदार रहा, और वो भी मुझे पता चला कि ये उत्तराखंड का सबसे लॉन्गेस्ट जिप लाइन है। तो काफी एंजॉय किया हम लोगों ने, और देख सकते हो हम लोग काफी वहां से ऊपर से नीचे आए। तो देखिए वाह, काफी एक्साइटेड रहा। लगता है 2 मिनट के आसपास, 1 मिनट लगता है। मैं ओके, मेरा बैग लेके आ रहा हूँ। हाँ हाँ ब्लू ब्लू मैं भी जिप लाइन कर ली और मेरी बैग भी कर ली। हाँ बैग बैग ही बैग ही लेके आ रहा है। मैं बोला भैया देखो वापस तो आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपका बैग भी भेज देता हूँ। तो हमने तो जिप लाइन सक्सेसफुली कंप्लीट किया, काफ़ी एक्साइटेड था। साथ में हमारी बैग्स, हमारी बैग ने भी जीप लाइन का एक्सपीरियंस कर लिया। और देखो ओ माय गॉड, हमारी बैग लाने के लिए दो दिन लगे। ये क्या, अच्छा ये देखो हमारी बैग लाने के लिए दो दिन लगे। हमसे ज़्यादा वॉकअप तो हमारे बैग में करवाएंगे इन लोगों से। चलिए भाई थैंक यू। चलिए हमारी बैग भी जीत रही, एक्सपीरियंस कर ली। थैंक यू भैया। सो गाइज, हम लोगों ने जिप लाइन सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अब हम लोग चलते हैं नीचे अपने बेस कैंप की तरफ। सो फाइनली गाइज, अब समय आ चुका है अपने बेस कैंप को अलविदा कहने का। हमारी ब्रह्मताल की ट्रैकिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हुई, और हम अब यहां से अब हम लोग निकल रहे हैं। Solo un trueno deshorizonte.